अच्छा, अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है, अर्थराइटिस के अब जितने भी प्रश्न आएंगे उनका एक ही साथ ये उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो, तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना, क्योंकि आप जिस स्थिति में है उससे भी ज्यादा खराब हो जाए। इस हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था, नहीं कराया, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर राणावत, और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किए हैं। अटल जी को देख लीजिए आप, पहले तो थोड़ा चल लेते थे, अब तो चलना ही बंद हो गया, सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा तकलीफ में हूं। तो आप मत करिए, फिर आप बोलेंगे जी क्या करें, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन मत कराइए, आप क्या करें, अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन बागवट जी के हैं उनका उपयोग करिए, उसके लिए सबसे अच्छा वो बोलते हैं चूना खाइए, चूना क्षारीय है, अम्लता को कम करता है, ज्यादा अम्लता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए। खाने का तरीका मैंने बता दिया, दही में, छाछ में, पानी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशेंट 2 ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो 1 ही ग्राम खाए, चूना खाइए। मेथी दाना लीजिए, क्षारीय है, और सबसे क्षारीय चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़। हार सिंगार देखा है, परिजात हार सिंगार, छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है, सफेद फूल और केसरिया डंडी, बहुत तेज खुशबू है, रात को ही खिलता है, रात रानी भी कुछ लोग कहते हैं, हार सिंगार कहते हैं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाते हैं, जो भी औषधियां, तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं, 4-5 पत्ते पीसिए, पीसकर पानी में डालिए, खूब उबालिए, पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए, आधा रह जाए, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सवेरे खाली पेट पीजिए। मैंने ये देखा है गंभीर से गंभीर अर्थराइटिस पेशेंट को 10 दिन में ही रिलीफ कर देता है। तो ये कहीं भी मिल जाए, नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुड़वांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बंटवा दीजिए, सब अपने घर में लगा लें, गमले में हो जाता है आसान, और